नमस्कार प्रणाम स्वागत बार हुआ सबके हमारा अपन खास प्रोग्राम भोजपुरिया गॉसिप्स में। और हर दिन के भांति हम आज भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ ताजा तरीन खबर लेके आ चुकल बानी। और वो लोग देख रहे बानी नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया करीब। और हम ही लोग के अपन होस्ट और दोस्त नितेश कुमार। तो चलिए फटाफट अपना खबर के तरफ बढ़ते नहीं। जी हाँ, आज के हमारे पहल का खबर भोजपुरी ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ल बड़े जिनकर नाम बाटे पंकज त्रिपाठी। और वो लोग तो वाकई में अचंभा हो गए लोग हम लोग कि हिंदी भोजपुरी के प्रोग्राम पढ़ने लेके आवे ला, आज हिंदी से जुड़ल कहे लेके आए बड़न। बतावल जाता नहीं कि पंकज त्रिपाठी बिहार के रहे वाला जिला गोपालगंज के, जी हाँ गोपालगंज के रहे वाला एगो छोटा मतलब मिडिल परिवार के लड़का आज इतना ज्यादा धूम मचा रहा बाटे कि का बताई। बता दी कि पंकज त्रिपाठी भोजपुरी फिल्म भी कैले बड़न जना फिल्म के नाम बाटे प्यार बिना चैन कहाँ। जी पवन सिंह के साथ ही वो एक बार देखल गए बड़े पंकज त्रिपाठी भोजपुरी फिल्म में। और भोजपुरी फिल्म में वो दबंग के रोल में नजर आए बड़े। बता दी कि अभी हाल ही में उनकर एगो वेब सीरीज मिर्जापुर में काफी धूम मचा रहा बाटे। मिर्जापुर बहुत ज्यादा लोग पसंद भी करता हो। वाकई में फिल्म जो बनल बाटे मिर्जापुर दमदार फिल्म भी बनल बाटे। या भाई बिहार के कोई भी होके, चाहे बिहार इतना आईपीएस ऑफिसर पैदा करेला और बिहार से एक आदमी जहां भी गई बाटे अपन नामे कैले बाटे, वही में एगो पंकज त्रिपाठी भी बाटे जोन भोजपुरी फिल्म करके और हिंदी फिल्म में एंट्री ले ले बड़े और हिंदी फिल्म में भी अपन एगो झंडा गाड़ दिले बड़े, यानी गोपालगंज जिला के झंडा गाड़ दिले बड़े। तो चलिए आखिर लोग के जाने के बाटे आखिर भोजपुरी फिल्म में काम कैसे मिलल। भोजपुरी फिल्म कैले बड़े पवन सिंह के साथ कैले बड़े तो हम बताइए कहीं हाँ, और फिल्म के नाम भी बताइनी है कि प्यार बिना चैन कहाँ रे। आखिर भोजपुरी फिल्म और पंकज त्रिपाठी जी से और पवन सिंह से मुलाकात कैसे हुई, अगर ये सब बारे में जानकारी देवे के बाद एक नजर दौड़ाई हमारे खास रिपोर्ट की तरफ। हिंदी फिल्मों के बेस्ट एक्टर कहे जाने वाले पंकज त्रिपाठी के चर्चा आज जोरों शोरों से हो रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में मिर्जापुर के वेब सीरीज में पंकज त्रिपाठी का काफी दमदार एक्टिंग देखने को मिला। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले पंकज त्रिपाठी इन दिनों हिंदी के बेस्ट एक्टर में से एक हैं। आपको बता रहे हैं कि हिंदी फिल्मों में जाने से पहले भोजपुरी फिल्मों में भी काम किए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के साथ भी नजर आए हैं। आपको बता दें कि प्यार बिना चैन कहां में काम किए हैं पंकज त्रिपाठी पवन सिंह के साथ। बिहार के गोपालगंज जिला के रहने वाले अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म न्यूटन में शानदार अभिनय के लिए पंकज त्रिपाठी को स्पेशल मेडल अवार्ड भी दिया गया। आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी ने पुरस्कार मिलने पर खुशी भी जताई। नेक्स्ट नाइन डेस्क से भोजपुरिया की रिपोर्ट। जैसे कि रोल देखनी है लो पंकज त्रिपाठी जी आज हिंदी फिल्म में धूम मचा रहे बड़े जिला गोपालगंज के रहे वाले बड़े। चलिए फटाफट बढ़ाता नहीं रोल के अपन दूसरा खबर बताए के तरफ। बता दें कि आज का दूसरा खबर भोजपुरी इंडस्ट्री के क्वीन मृगनयनी कहे जाए वाले अक्षरा सिंह जी से जुड़ल बा। जी हाँ, अक्षरा सिंह अपन सोशल मीडिया पर गुस्सा होके एगो वर्ड लिख के शेयर कैले बड़ी, यानी वो लिखले बड़ी का लिखले बड़ी तो हम मेरे को ना बताएं। एक खातिर रोलो के एक नजर दोहराए बड़ी हमारा खास खबर के तरफ। लेकिन उससे पहले बता देता नहीं कि अक्षरा सिंह जी वाकई में बहुत ज्यादा गुस्सा होके और वर्ड के लिखले बड़ी, शायद उनका अंदर इतना क्रोध भरल बाटे जाना कि वो जताए के चाहत रही। लेकिन वो आखिर लिखले का बड़ी और कौना वजह से लिखले बड़ी, का उनका के फिल्म इंडस्ट्री के लोग तंग करता या फिर सोशल मीडिया पर आम जनता तंग करता, अगर ये सब के रिपोर्ट अगर देखे के बाटे अगर जानकारी लेवे बाटे काहे गुस्सा भइल बाड़ी अक्षरा सिंह जी, तो एक नजर दौड़ाई हमारे खास रिपोर्ट के तरफ। इन दिनों अक्षरा सिंह अपनी कई बातों को लेकर चर्चे में रहती हैं। जहां वो अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चे में है, तो इन दिनों वो सोशल मीडिया पर अपनी कई बातों को लेकर चर्चे में रहती हैं और खुद से जुड़ी तमाम तरह की बातें शेयर करती हुई नजर आती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि लिखने का तो इतना मन करता है कि क्या बताऊं, इन लोगों की करतूत पर कोई बात नहीं, जैसे शुरू से चुप हूँ अब रहूँ तो ही ठीक है, बाकी ऊपर वाला है और आज न कल दुनिया भी जानेगी। अब ये किसके बारे में अक्षरा सिंह ने लिखा है ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये पोस्ट लिखा है
उससे तो साफ है कि सोशल मीडिया के जरिए अक्षरा सिंह ने अपना गुस्सा उस शख्स के लिए निकाला है जो कि अक्षरा सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये शख्स कौन है ये तो अक्षरा ही जाने। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। जी जैसे कि रोलो देखनी है लो अक्षरा सिंह जी आखिर कौना वजह से गुस्सा बाड़ी। भाई गुस्सा बनल तो उनकर बनते बाटे है जब उनका पोस्ट पर ऐसा ऐसा लोग कमेंट करी तो वाकई में अक्षरा सिंह जी गुस्सा होबे करी। चलिए बढ़ो तनी फटाफट आज के अपन तीसरका खबर के तरफ। आज के तीसरका खबर भी अक्षरा सिंह से ही जुड़ल बाटे। बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो दमदार जोड़ी कहीं या फिर वो जोड़ी के नामो दिन हूँ तो हमारा लगता है कि वो नाम हम देम वो भी नाम सुटेबल नहीं ना हो पाई। कैसे वो इतना ना गहरा दोस्ती बा लोग के। जी हाँ वह दोस्ती के बारे में बात करता नहीं जिकर वेब सीरीज धमाल मचा रहा बाटे धमाल मचाहे वाला बाटे। बता दी कि नीरहू और आम्रपाली जी के वेब सीरीज बहुत ही धूम मचा रहा बाटे और अक्षरा सिंह जी और नीरहू और आम्रपाली के वो फोटो सोशल मीडिया पर आई बाटे यानी जाना में वो लोग हंसते हुए अपन चेहरे अपन पोस्ट कैले वालों। बता दी कि अक्षरा सिंह जी की और आम्रपाली जी की दोस्ती बहुत ही गहरा दोस्ती बाटे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पहलका ऐसा दोस्ती बाटे जो बहुत ही गहरा दोस्ती बाटे। आखिर वो फोटो कहाँ से लिहल गई बाटे ये बता देता नहीं कि रांची के अवार्ड शो जो भैल बाटे वजह से फोटो लिहल गई बाटे जमना के अक्षरा सिंह जी पोस्ट कल बड़ी सोशल मीडिया पर। भाई ये पोस्ट में बहुत ही मस्ती और मजा मस्ती करत नजर आई वालों निरहू अक्षरा और आम्रपाली जी। तो चलिए फटाफट एक नजर दोहराइए हमारा खास रिपोर्ट के तरफ यानी खास खबर के तरफ। आखिर का वजह बाटे कि बहुत ज्यादा ये लोग में गहरा रिश्ता होकर जाता है तीनों जना में। अगर रिश्ता के बारे में जाने के बाद एक नजर दोहराइए हमारे खास रिपोर्ट के तरफ। इन दिनों भोजपुरी के स्टार्स सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और हाल ही में सोशल मीडिया पर इन दिनों सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हैं एक्ट्रेस अक्षरा सिंह जो कि भोजपुरी की मृगनयनी कही जाती हैं। बता दें आपको कि सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कुछ फोटोज उन्होंने शेयर की है जिसमें वो आम्रपाली दुबे और निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ नजर आ रही हैं। बता दें कि इन दिनों आम्रपाली निरहुआ की ये फोटो रांची के एक अवार्ड शो के दौरान की है जिसमें आम्रपाली और निरहुआ एक दूसरे के काफी करीब नजर आए। वहीं बता दें कि इन दिनों आम्रपाली और निरहुआ फिल्म के अलावा टिकटॉक पर भी कई वीडियोस बनाते नजर आते हैं और कई फिल्मों में स्पेशल सॉन्ग की शूटिंग करते नजर आते हैं। वहीं अगर बात करें अक्षरा सिंह की तो इन दिनों वो अपनी कई एल्बम को लेकर काफी चर्चा में है और साथ ही वो इन दिनों अपनी फिल्म जो कि रितेश पांडे के साथ आने वाली है राजा राजकुमार को लेकर भी काफी चर्चे में है और ये फिल्म जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। भैया जैसे देखनी है लो अक्षरा सिंह आम्रपाली और निरहू जी के दोस्ती के बारे में। ये लोग दोस्ती इतना गहरा हो रहा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कि का बताई। चलिए फटाफट बढ़ाता नहीं आज के अपन चौथ का खबर की तरफ। आज के चौथ का खबर ये वाकई में लाजवाब खबर बाटे। खेसारी जी के जोड़ीदार यानी काजल रघवानी जी के बारे में एक खबर बाटे। बता दी कि काजल रघवानी जी के एगो फिल्म आ रहा बाटे जाना में स्पेशल सॉन्ग यानी स्पेशल डांस करते हुए नजर आई बड़ी। मात्र एगो डांसे में दिखल बड़ी या कि पूरा फिल्म में बड़ी ये सब के लोगों के जानकारी देम। लेकिन जानकारी देवे से पहले लोगों के बता देता नहीं कि काजल रघवानी जी अभी फिलहाल में डांस में ही दिखल बड़ी। फिल्म के नाम बाटे काजल। जी हाँ उनके नाम से बनता है फिल्म जोना के नाम बा काजल जोना में स्पेशल डांस करते हुए नजर आई बड़ी। आखिर काजल रघवानी की बात आवे और लोग वाकई में उतावला ना के तो हो नहीं सकत। कैसे खेसारी लाल यादव के जोड़ी काजल रघवानी जी के साथ बहुत ही फिट जमेला और एक से एक भोजपुरी इंडस्ट्री में वो लोग फिल्म के हिट भी करके दिखेले वालों। हिट तो हिट भैया सुपर हिट करके दिखेले वालों। तो चलिए फटाफट देखी खास रिपोर्ट की तरफ एक नजर डाली कि आखिर काजल रघवानी के नाम पर काजल फिल्म बन रहा बाटे में सिर्फ एगो स्पेशल गाना में ही नजर आई या कि पूरा फिल्म में नजर आई। अगर एक जानकारी लेवे बात एक नजर दौड़ाई हमारे खास रिपोर्ट की तरफ। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड चल गया है। हाल ही में जहां आम्रपाली निरहुआ ने एक फिल्म में अपना एक स्पेशल डांस अपीयरेंस दिया तो वहीं हाल ही में भोजपुरी की खूबसूरत अदाकारा काजल राघवानी ने भी फिल्म काजल के लिए एक स्पेशल गाना शूट किया है जिसमें उनके साथ काजल यादव नजर आएंगी। वहीं बता दें कि इन दिनों काजल राघवानी अपने आने वाली फिल्म काशी विश्वनाथ को लेकर चर्चे में हैं और साथ ही इस फिल्म के भी कई रोमांटिक गानों की शूटिंग चल रही है।
वहीं अगर बात करें फिल्म काजल की तो बता दें आपको कि इस फिल्म को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म काफी साफ सुथरी बनने वाली है और साथ ही इस फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग नहीं होने वाला। ऐसे में ये देखना काफी मजेदार होने वाला है कि फिल्म काजल में क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग काफी टाइम से लंबे टाइम से चल रही है। अब ये भी देखना काफी मजेदार होगा कि बिना आइटम सॉन्ग वाली इस फिल्म को लोगों का कितना प्यार मिलता है और भोजपुरिया पर्दे पर ये फिल्म कितनी कमाई कर पाती है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। जी तो ये रहा सब आज के हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से ताजा तरीन चार गो खबर और गॉसिप्स के माध्यम से रहा। गॉसिप्स कहीं नहीं है, जे भी देखा था अगर तू देखा था रनू भाई तो खाली तोहरे खातिर बापू से बताइए मत। अगर उंगरा के जानकारी लेवे के बाद कह दिया कि हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब कर लस और बेल आइकन बिल्कुल मत भूलिए, कैसे बेल ना दबइयो तो भैया अपडेट तारा लगे ना पहुंची। अगर अपडेट चाहिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक एक खबर के तो बेल आइकन दबावल बहुत ही जरूरी बाटे और हमारा वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और दे हमारा इजाजत। कल फिर हम लेके आए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ल कुछ ताजा तरीन खबर। नमस्कार।